नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान जिले के गुठनी प्रखंड के अंतर्गत ये पंडरी पंचायत का तड़का गांव है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, यहां पर रुद्र महायज्ञ पिछले 29 तारीख से चल रहा है और आज यहां सबसे बड़ी बात यह है कि यहां आज हजारों की तादाद में लोग उपस्थित हैं और उसका मुख्य प्रायोजन ये है कि आप पूज्य राजन जी महाराज जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, उनके पिताजी का यहाँ मूर्ति का आज अनावरण, प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। चूँकि वो रुद्र भगवान शिव के भक्त थे और उन्होंने कई बार जलाभिषेक किया था। जो आगे एक मंदिर है शिव जी का, उस शिव जी के मंदिर के सामने ही उनकी प्रतिमा का आरोहण अब से बस कुछ ही देरों में यहाँ पर होने वाला है। जैसा कि आपको मालूम है, राजन जी महाराज के गुरु महाराज यहाँ भी आए हुए हैं और उनके मुखारविंद से कथा रोज 2 बजे से 6 बजे तक यहाँ हो रही है। जैसा कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है, तो उत्तर प्रदेश से कई लोग यहाँ आए हुए हैं और ये कथा लगातार चल रही है। हमारे साथ जो सिवान में 2 मई से 10 मई तक श्री राम कथा सिवान जनपद के स्थापित होने के 50वें वर्ष पर कही जा रही है, उसके कर्मक सदस्य द्विवेदी जी हैं। कैसा चल रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया चल रहा है। आज का मुख्य कार्यक्रम क्या है? पिताजी के पुण्यतिथि है, तिथि पुण्यतिथि है, उसका मूर्ति के उनके मूर्ति का अनावरण है। उसी में अयोध्या से तमाम संतगण आए हुए हैं। आज ही अभी तुरंत होने वाला है। सिवान अपने जनपद स्थापना के 50 वर्ष पूरे किया है और उस उपलक्ष्य में ये परिवार सिवान को एक बहुत बड़ा उपहार दे रहा है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। संजोग ऐसा बना कि दोनों साथ है, इसका भी 50वां साल है और महाराज जी का, पिताजी का 3रा साल भी है, तो उनके साथ बहुत बढ़िया संजोग बना और अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, अपने सिवान मुख्यालय में 2 मई से 10 मई तक राम कथा का आयोजन पूज्य राजन जी के मुखारविंद से होना है। जी, बहुत बढ़िया। हम लोग का धन्य है कि सिवान में महाराज जी की कथा होगी और हम लोग 9 दिन का कथा का रसपान करेंगे। इसमें बहुत बढ़िया सुयोग बनेगा। महाराज जी की जिला का अपना गौरव है कि महाराज जी रहेंगे कथा होगी। हमारे साथ कुछ लोग इस जो ये घड़ी है, ये जो समय है, उसको अपने नेत्रों में कैद करने के लिए, अपने नेत्रों में बसाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग धुमा छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और हम ही नहीं, हमारे जितने पूज्य राजन जी महाराज के सानिध्य में पूरे भारतवर्ष में जिस जिस राज्य में और जिस जिस स्थान में महाराज जी के मुखारविंद से श्री राम कथा हुई है, उसके सभी आयोजक और आयोजक मंडल के सभी सदस्यगण यहाँ आए हुए हैं और महाराज जी ने, पूज्य राजन जी महाराज जी जो इस तरका माटी के सुपुत्र हैं, जो अपने माता पिता के नाम रोशन कर रहे हैं, अपने गांव तरका का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने क्षेत्र पूर्वांचल का नाम रोशन कर रहे हैं और श्री राम कथा के गंगा पूरे हर राज्य में, हर क्षेत्र में बहा रहे हैं, उस गंगा में स्नान करने का हम सबको सौभाग्य मिला है। जहां आप खड़े हैं, ये सिवान जनपद है। जी जी, सिवान जनपद अपने प्रशासनिक स्थापना के 50 वर्ष कल पूरा किया है। हाँ, इस अवसर पर भी, हाँ, राजन जी महाराज के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा इतना बड़ा सांस्कृतिक उपहार इस सिवान को है। जी जी, क्या कहेंगे ये? इसको हम एक संजोग कहेंगे और भगवान राम जी की कृपा कहेंगे कि भगवान राम जी की कृपा से आज हमारा ये भारत देश के बिहार राज्य के सिवान जिला का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं। 50 साल पूरा हुआ है और महाराज जी के, बाबूजी के पुण्य 3री पुण्यतिथि में बहुत सुंदर राम कथा पंडित प्रेम भूषण जी महाराज के मुखारविंद से हो रहा है और राजन जी महाराज के पूज्य बाबूजी
भगवान शिव जी के परम भक्त थे, आज शिवलोकवासी हैं और उनके सुपुत्र भगवान श्री राम कथा की गंगा पूरे भारत देश में और भारत देश के बाहर बहा रहे हैं। ये एक संजोग है, भगवान राम जी की कृपा है और ऐसे अपने बाबूजी के वो पुत्र हैं जो बाबूजी और अपने गांव और क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। हम तरका वासियों को और महाराज जी के पूरे परिवार को और बिहार और ये पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र को हम लोग बहुत बहुत प्रणाम करने हुए आए हुए हैं, दर्शन करने आए हुए हैं और सबको बहुत बहुत बधाई देने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति और हम लोग पूर्वांचल की बोली भाषा और संस्कृति से सभी लोग प्रभावित हैं। हम लोग भी हमारे जो छत्तीसगढ़ है और भोजपुरी का शब्द बहुत मिलता है। एक फिल्म आई थी हम लोग जब छात्र जीवन में थे तो नदिया के पार, उस नदिया के पार में जितने भी शब्द हैं हमारे छत्तीसगढ़ के शब्द से मेल खाता है और हम लोग ये भोजपुरी जो शब्द बोली है उसको हम लोग बहुत पसंद करते हैं और हम तो ये बोलते हैं रउआ ठीक बानी तो हम सब भी बहुत ठीक बानी। एक थोड़ा सा तल्ख प्रश्न है। हाँ, राम कथा वाचक तो बहुत है। हाँ, बहुत लोग राम कथा, लेकिन राजन जी के प्रति इतना स्नेह इतना लगाव आखिर क्यों? देखिए 10 जून 2017 से 18 जून 2017 को हमारे पूज्य पिताजी के प्रथम पुण्यतिथि में ग्राम धुमा छत्तीसगढ़ में पूज्य राजन जी महाराज की मुखारविंद से 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन हुआ था। राजन जी महाराज की जो रामकथा है वो बहुत ही सरल है, सरस है और व्यवहारिक जो जीवन में जिसकी उपयोगिता है उन शब्दों के साथ लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। उनके कथा बेजोड़ है और भजन बहुत ही प्रिय है और बहुत अच्छे सब पूरा हमारे भारतवासी पूज्य राजन जी महाराज के मुखारविंद से श्री राम कथा को बहुत पसंद करते हैं, आत्मसात करते हैं, प्रेरणा लेते हैं, अपने जीवन में शैली में उतारने का प्रयास करते हैं। ये उसमें बहुत बड़ी खूबी है। आप बक्सर की पावन भूमि से एक ऐसा व्यक्ति उदय होता है जो हमेशा सदैव अपनी भोजपुरी संस्कृति को, अपनी भोजपुरी बोली बानी को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिखेरता है। आज बक्सर से चलकर आप इस सिवान की पूर्ण भूमि पर आए हैं और ख़ासकर ये सिवान अपने प्रशासनिक स्थापना के 50 वर्ष कल पूरा किया है और इस अवसर पर आप आए हैं। राजन जी महाराज के परिवार के द्वारा ये इतना बड़ा सांस्कृतिक उपहार इस पूरे क्षेत्र को है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के पूरे परिवार को और अपने श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम बोल रहा हूँ और यहाँ आकर के ये कहने की बात नहीं है, शिव जी तिवारी जी एक दिव्य पुरुष थे। उनकी गाथा जो हम लोग जब गाने लगे हैं तो ख़त्म नहीं होगा जल्दी, क्योंकि इस तरह के वो आदमी थे कि किसी को अपना बना लेते थे। और चारों धाम जो है 4 बार 13,500 किलोमीटर जो पैदल चल करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक से चारों धाम किए थे और 12 ज्योतिर्लिंग का वो रुद्राभिषेक बार बार हमेशा कराते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। तो उनके पुण्य प्रताप से राजन जी महाराज देखिए फलफूल रहे हैं और फूल फूल रहे हैं। कई लोगों की सुबह, हमारे जैसे लोगों की सुबह जियर महाराज जी का भजन जो है वो आप गाते हैं। अभी मैं सनातन संस्कृति समागम बक्सर में गया था, अच्छा वहाँ भी आपका कार्यक्रम पूरा हुआ था। आपको अपनी बोली बानी से इतना लगाव, बड़ा आत्मिक लगाव है, बड़ा हार्दिक लगाव है, ऐसा क्यों है? देखिए अपनी मातृभूमि जो जन्म लेता है बच्चा तब से लेकर के और वो बड़े बड़े होते हुए भी जवानी बुढ़ापा आ जाए फिर भी मातृभूमि जो है
उसको प्यारा होता है और उसको जो भूल जाता है समझिए अपनी सभ्यता संस्कृति सब भूल गया। इसलिए इस बोली से, भाषा से नहीं, अभी तो भोजपुरी भाषा हुई नहीं है, इस बोली से और इस मिट्टी से इतना लगाव है हमें कि हम भोजपुरी को से अलग हो ही नहीं सकते। इतना करने पर भी लोग जो है ना अभी वो आलोचना ही करते हैं कि भरसर में भी तो गया है, भरसर में भी तो इस तरह के गया है, तो हम उसका कमेंट नहीं करते हैं। जिसको जो बोलना है, जो गाना है गाएगा अपना, सब लोग अच्छे हैं, हम किसी के ऊपर कमेंट क्यों करेंगे। नारद मीडिया की ओर से सिवान की धरती पर आपका स्वागत है, आप यहाँ आए ये बहुत बड़ी बात जी जी नहीं है, हम आम लोगों में से एक हैं, आम ही लोग हम लोग को चाहिए। जीरा देवी, क्या क्या कहेंगे यहाँ आके कैसा अनुभव होता है? यहाँ आकर, ये मेरी बेटी का घर है और मेरे समधी थे, उनके विषय में जितना मैं जानता हूँ शायद उनके बच्चे नहीं जानते हैं, और सारी बातों को कम समय में आपके सम्मुख रखना ये संभव नहीं है, लेकिन मैं उनकी भक्ति भावना से, उनके सादगी से, और मैं किस संस्था से जुड़ा हूँ, उस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं कलकत्ता में संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, उस संस्था का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, तो समाज सेवा से जुड़े रहने के वजह से इनसे परिचय हुआ और वो परिचय आज रिश्तेदारी में बदल गए। तो मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनके विषय में कहने के लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, एक धर्मनिष्ठ, धर्मांध बोलिए, धर्मनिष्ठ बोलिए, वो पूरे भारत को पदयात्रा में छान मारे और 12 ज्योतिर्लिंग में जलाभिषेक किए, इतना ही नहीं समाज सेवा से जुड़े रहे, कई संस्थाओं से वो जुड़े रहे जीवन भर। मैं एक छोटी बात बताऊं, एक कोई भागवत पढ़ रहा था, उसके पास पैसा नहीं था, जब तक उनकी पढ़ाई चली पूरा खर्च दिए, उससे बड़ी बात एक पद गृह त्यागी घूम रहे थे, उनको पकड़ कर अपने घर ले गए, जलपान कराए और उन्हें 1100 रुपया दिए, बोले महाराज जी आप कहाँ से आए हैं? तो मैं गुजरात से आया हूँ, आपका क्या है? तो मैं अनाथालय चलाता हूँ। आप जिस स्वरूप की यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, जो दृश्य आप देख रहे हैं, इस दृश्य की मैंने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की थी। ये सब कुछ दृश्य मेरे पूज्य महाराज श्री ने मुझे दिखाया।
जिसका परिणाम हम और आप यहाँ उपस्थित होकर इसका दर्शन कर रहे हैं, इन दिव्य विभूतियों का दर्शन कर रहे हैं और इनके श्री मुख से निकले हुए शब्दों को अपने श्रवणों के माध्यम से हम और आप श्रवण करके और अपने जीवन को और अपने परिवार को आज कृतार्थ और धन्य कर रहे हैं। यहाँ जितने पूजीचरण उपस्थित हैं, मैं यही बात कहना चाहता हूँ आप सबके श्री चरणों में कि आप सब यहाँ पर आकर आपने हमारे परिवार को धन्य किया, आपने हमारे गांव को धन्य किया, आपने हमारे क्षेत्र को धन्य किया और आपने हमारे पितरों को भी धन्य कर दिया। आगे कथा भी होनी है, मैं केवल एक वाक्य और आपसे कहना चाहता हूं। अभी अभी सरकार कह रहे थे विभीषण जी भगवान के पास गए तो कोई रूप बनाकर नहीं गए, जैसे गए वैसे भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। आप समस्त श्री चरण आज मेरे सामने भगवत तुल्य हैं। विभीषण जी महाराज भगवान के पास गए तो उन्होंने जो भाव कही वही बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। अरे सुन ले कितना